हाय फ्रेंड्स, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, विच इज एग्जेम्प्ट इनकम। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब जिस इनकम को हम टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं मानेंगे। इनकम है, पैसे आए हैं, बट इट मस्ट नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अवर टोटल इनकम। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? एग्जेम्प्ट इनकम, जिसके ऊपर फ्रेंड्स हमको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। जैसे फ्रेंड्स जीएसटी में एग्जेम्प्शंस है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट इनकम है, मतलब उस इनकम्स के ऊपर हमको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आती नहीं है। ओके, सिंपल सा ये टॉपिक, हम उसका डिस्कशन शुरू करें। उसके पहले फ्रेंड्स एक बहुत बेसिक दो टर्म्स है जो आपको पता ही है, सुने ही है फ्रेंड्स हमने। वन इज एग्जेम्प्शंस जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड इज डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, विच इज सेक्शन 80C2 80U। तो ये दोनों का फर्क क्या है? डिडक्शन भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इनकम में से लेस हो जाएगा। ये एग्जम्प्शन भी जो सेक्शन 10 है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो एग्जम्प्शन भी क्या है जिसके ऊपर हमको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एग्जम्प्शन हो कि डिडक्शन हो, टेक्निकली क्या फर्क पड़ता है आप समझे? एग्जम्प्शन भी ऐसा है जिसके ऊपर हमको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिडक्शन भी ऐसा है जिसको हम इनकम में से लेस कर देते हैं, इसके ऊपर भी हमको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। तो फर्क क्या दोनों में स्पेलिंग के अलावा? बहुत इंपॉर्टेंट फर्क फ्रेंड्स, ये जो डिडक्शन है ना हमको अवेलेबल होगा फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब ये हमारा GTI विच इज समेशन ऑफ ऑल फाइव्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बोलो आगे, कैपिटल गेन, PGBP, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये पांचों पांच हेड का समेशन हम कर देंगे, इट वुड बी ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से जो लेस करेंगे वो क्या होने वाला है? डिडक्शन। मतलब क्या ये हमारे GTI में होगा? कोई भी इनकम होगी वो GTI में फॉलो होगी, एब्सोल्युटली यस। उसमें से हम क्या लेस करेंगे? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C2 80U। एंड जो फाइनली फंड्स हमारे पास बचेगा वो क्या होने वाला है? टोटल इनकम। डन। उसके सामने फिर जब एग्जम्प्ट इनकम देखो ना, तो वो आपके इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर, वो आपके इनकम में इंक्लूड ही नहीं करने की। मतलब सपोज एग्जांपल के तौर पे सैलरी चैप्टर में बहुत सारे हमने एग्जम्प्शन सीखे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सर्टेन अमाउंट तक एग्जाम, ट्रैवल अलाउंस फलाना डिग्री अमाउंट तक एग्जाम, ऐसे अलग 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 अलाउंसेस में अलग 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 एग्जम्प्शन हमको पता है, मिलकर भाई उसको इनकम में इंक्लूड ही नहीं करने का चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझे? तो आपका जो एग्जम्प्ट इनकम होगा वो GTI जब हम कंप्यूट करेंगे उसमें इंक्लूड ही नहीं होगा, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स डिडक्शन। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जो मैं ऑलवेज ऐसा कहता हूं फ्रेंड्स, ध्यान से। सपोज मम्मी ने आपके लिए लेट अस से डिश रेडी की, खाने की डिश रेडी की, जिसमें रोटी थी, जिसमें यहाँ पे सब्जी थी, यहाँ पे पापड़ था, यहाँ पे लेट अस से दाल थी, और क्या खा रहे हो फ्रेंड्स आप, यहाँ पे चलो मैंगो थी। ओके, तो ये अलग अलग चीज आपके डिश में थी। अभी फ्रेंड्स आपके डिश में कोई चीज आई बट आपको सपोज पापड़ नहीं खाना था, एग्जांपल के तौर पे, तो आपने पापड़ को बाहर रख दिया, आपने पापड़ को डिश से निकाल दिया, तो वो क्या हुआ? डिडक्शन। आपके इनकम से आपने उसको रिमूव कर दिया, फाइनली उसको कंज्यूम नहीं किया, तो वो क्या हुआ? डिडक्शन। ओके, चलो मम्मी ने उस दिन कोई स्वीट बनाई थी, मैंगो तो थी ही थी पर सपोज स्वीट बनाई थी, क्या बनाई थी? सबको सुखड़ी बनाई थी, सुखड़ी पता है फ्रेंड्स, मौड़ी की सुखड़ी फेमस है। ओके, तो फ्रेंड मम्मी ने सुखड़ी बनाई थी बट वो सुखड़ी मम्मी ने आपके थाली में रखी ही नहीं, आप समझ रहे हो? ये पापड़ ऐसी चीज है जो आपके थाली में आई, बाद में आपने उसको बाहर रख दिया, मतलब फाइनली उसको आपने कंज्यूम नहीं किया, बट ये सुखड़ी ऐसी चीज थी जो आपके थाली में आई ही नहीं, इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर थाली, मतलब डिश। तो ये क्या हो गया? एग्जेम्प्ट इनकम, आपके इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा। जो इंक्लूड होगा तो बाहर निकालेंगे, इंक्लूड होगा तो उसको एलिमिनेट करने का क्वेश्चन आएगा। डिडक्शन क्या है? आपके इनकम को लेस करता है, मतलब इनकम तो है ना, हाँ इनकम है, उसमें से कुछ डिडक्शन, उसमें से कुछ डिडक्शन करके हम क्या अराइव करेंगे? टोटल इनकम। बट एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इनकम ऑनली। ICI मम्मी ने बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जेम्प्शंस, एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस जो मैंने आपको समझाया कि एग्जेम्प्शन इनकम का पार्ट ही नहीं है, डिडक्शन आपके इनकम में से लेस होगा। ओके, ICI एग्जैक्टली क्या कहती है, ये वर्ड्स आपके आए तो बहुत मजा आ जाएगी फ्रेंड्स मार्क्स में, चेक करो ध्यान से। एग्जेम्प्शंस अंडर सेक्शन 10, याद रहेगी सेक्शन 10 रखनी ही है।
the income which are exempt under section 10 will not be included for computing what? Total income. उसको total income में हम include ही नहीं करते. गजब गजब. It is not forming part of total income only. Deduction उसके सामने क्या है? Incomes which are deduction, sorry, from which deductions are allowable under chapter 6 will be first included in gross total income and then deduction will be allowed from what? GTI. मतलब GTI. I think अभी हमारे मन में ये differences clear है. Deduction versus exemptions. Okay. अभी देखो friends. ये जो exemptions है वो section 10 में है जो हम यहाँ पे discuss करेंगे. Friends, majorly हम यहाँ पे इस चैप्टर में तीन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे. मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं. हम हमारी जर्नी इस चैप्टर की शुरू कर उसके पहले छोटा सा चैप्टर है बेचारा स्वीट सा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. यहाँ पे सेक्शन 10 डबल है जो एग्जाम के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट गजब 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 उसका इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सेक्शन 10 जिसमें लिस्ट पढ़ेंगे हम कि ये एग्जाम्ड वो एग्जाम्ड फलाना एग्जाम डिकना एग्जाम वो लिस्ट है. एग्जाम परस्पेक्टिव एग्जाम के पहले दो से तीन बार आपने पढ़ा होना चाहिए मन में आपकी इफेक्ट होनी चाहिए कि हाँ ये एग्जाम उसको रट्टा का मारने की जरूरत नहीं है कि चलो लिस्ट याद कर लेते हैं ये एग्जाम वो एग्जाम ना 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 इतनी इतनी माथापुट करने की जरूरत नहीं है. एक लिस्ट हम डिस्कस करेंगे. मैं दो बार वीडियो में बोल दूंगा सो आपको चिंता ना रहे फ्रेंड्स. एंड एक लास्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे विच इज सेक्शन 14A जिसका एक ऑनेस्टली बताऊं तो हमारे लेवल के ऊपर उसका ब्रीफ डिस्कशन है सीए फाइनल में जबरदस्त इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस उसके एस्पेक्ट्स उसके प्रिंसिपल्स बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन. बट इस चैप्टर में थोड़ा ब्रीफ थोड़ा मैं आपको इसके लिए समझाऊंगा. सेक्शन 14 है उतना ही हमारे कोर्स में आईसीआई ने कवर किया है फ्रेंड्स. ओके तो तीन सेक्शन एंड ये हमारा छोटा सा चैप्टर बेचारा खत्म. ओके सेक्शन 10 डबल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड वहां से हम शुरू करेंगे. सेक्शन 10 एक लिस्ट है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा ये एग्जाम वो एग्जाम फलाना टिकना एग्जाम लिस्ट है फ्रेंड्स. 15-20 पॉइंट का लिस्ट है जो मैं आपके साथ पढ़ूंगा एंड सेक्शन 14 है लास्ट में डिस्कस करके चैप्टर को कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स. डन. ओके शुरू करते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रेलेवेंट सेक्शन विच इज सेक्शन 10 डबल है. आपका ध्यान गजब रिक्वायर्ड फ्रेंड्स गजब 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 रिक्वायर्ड. पहले मैं ब्रीफ एक्सप्लेन कर लूं पूरा सेक्शन बाद में शांति से पढ़ेंगे फ्रेंड्स. एक वर्ड आपने सुना होगा लाइफ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्रेंड्स. कोई भी कंट्री अभी आपने लॉकडाउन में सुना होगा कि मोदी ने बात की आत्मनिर्भर भारत. तो वो क्या हुआ फ्रेंड्स अल्टीमेटली हम हमारे वहां पर मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्यों बाहर से मैन्युफैक्चर होता तो तकलीफ क्या है. पर बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होगी इंपोर्ट होगा ना तो फॉरेन करेंसी चली जाएगी हमारी डिपेंडेंसी उस कंट्री पर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. उससे बेटर हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस करेंगे मतलब हम हमारे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. फ्रेंड्स हमारे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट स्टेप है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. सेकंड स्टेप क्या होगा पता है हम एक्सपोर्ट्स करें हम हमारा हमारा वहां पे मैन्युफैक्चर हुआ गुड्स पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होना चाहिए ऐसा होना चाहिए. मतलब ये एग्जम्पशन वीडियो समझो ये एग्जम्पशन का वीडियो पूरा वर्ल्ड देखता होना चाहिए ऐसा ऐसा कुछ हमको करना है फ्रेंड्स. ये लॉ ऑब्वियसली वहां पे एप्लीकेबल नहीं है सो कोई रेलेवेंस नहीं है इस वीडियो का आउटसाइड इंडिया में. बट एक जनरल सेंस में आपको बता रहा हूं कि हमारे गुड्स बाहर वाली कंट्री परचेस करती होनी चाहिए हमारी सर्विसेज बाहर वाली कंट्री लेती होनी चाहिए तो उसको हम एक्सपोर्ट्स बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. फ्रेंड्स ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा ना वो क्या करेगा पता है गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली इस स्कीम को लॉन्च किया इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जिसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम एक यूनिट एस्टेब्लिश करो अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में. वो यूनिट क्या करेगा बताए फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो यूनिट गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा एंड वो गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेगा. एक्सपोर्ट किया कंट्री को फायदा फॉरेन करेंसी आई पता चला एक्सपोर्ट्स बढ़ा कंट्री को इकोनॉमी को फायदा होगा बिकॉज यहां से गुड्स परचेस होंगे. जब मुझे कोई एक्सपोर्ट चीज करनी हो तो जनरली मैं यहां से उसके इनपुट्स परचेस करूंगा जिससे पास परचेस करूंगा उसका तो सेल्स हुआ ना अल्टीमेटली वो चीज एक्सपोर्ट होगी हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम होगा. ओके तो गवर्नमेंट कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट फ्रेंड्स कल इंडियन गवर्नमेंट नहीं कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि वो अपने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करे मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो गुड्स का एक्सपोर्ट हो ऐसा प्रयत्न करे ऐसा ट्राई करे. तो फ्रेंड्स हमारे वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप एक यूनिट एस्टेब्लिश करो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वो वहां पे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बाद में उसका क्या करेंगे एक्सपोर्ट्स फॉरेन करेंसी आएगी कंट्री को फायदा 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 बोलो क्लियर डन. ओके तो फ्रेंड्स कैसे गवर्नमेंट इसको बेनिफिट प्रोवाइड किया क्या टैक्स में बेनिफिट्स प्रोवाइड किए फ्रेंड्स. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है कि तुम जितना भी प्रॉफिट करोगे गजब बोला फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिया बाप रे बाप फायदा हो जाओगे फ्रेंड्स. गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम जितना भी प्रॉफिट्स करोगे फ्रॉम योर एक्सपोर्ट्स. फ्रेंड्स अभी देखो
स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले डोमेस्टिक सेल भी करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा वो एक्सपोर्ट से आया होगा, तुम्हारा जो भी प्रॉफिट एक्सपोर्ट से आया होगा वो पूरे आप चौंक जाओगे। गजब डिडक्शन, गजब गवर्नमेंट ने बेनिफिट प्रोवाइड किया। गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम जो भी प्रॉफिट कमाओगे, तुम जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे तुम्हारे एक्सपोर्ट्स में से, वो एग्जैक्ट एक भी रुपए का तुमको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। सर मैंने एक्सपोर्ट्स किया 5,000 करोड़ का, ये 500 करोड़ हो गए, चलो 500 करोड़ का मैंने एक्सपोर्ट किया, थोड़ा कम हो गया, देखो एक जीरो नहीं लिखा उसमें, तो मैंने 500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, मेरा प्रॉफिट हुआ 50 करोड़, 10% मेरा प्रॉफिट रेशियो था, 50 करोड़ मेरा प्रॉफिट, एक सिंगल रुपए का इनकम टैक्स मुझे भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। गजब गजब 500 करोड़ का एक्सपोर्ट, 50 करोड़ का उसमें से प्रॉफिट हुआ, पूरे पूरा डिडक्टेबल, एक भी रुपए का मुझे उसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ने थोड़ा बेनिफिट दे दिया। ऑनेस्टली बताऊं तो ऑलवेज 100% रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू करोगे, आप अपना बिजनेस कमेंस करोगे, उसके 10 साल तक तुमको बेनिफिट अवेलेबल होगा। उसमें से जो पहले 5 साल होंगे ना फ्रेंड्स, इफ इट इज फर्स्ट 5 ईयर्स, तो आपका जो डिडक्शन होगा इट वुड बी 100% ऑफ योर प्रॉफिट्स, पूरे पूरा प्रॉफिट डिडक्टेबल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड फ्रेंड्स जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे, उसके जो डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा इट वुड बी 50% ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब आप 1 लाख का प्रॉफिट करोगे 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, 50,000 का प्रॉफिट करोगे 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, एंड सो ऑन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तुम अपना यूनिट एस्टेब्लिश करो, उसमें से तुम एक्सपोर्ट्स करो, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा उसका पूरे पूरा डिडक्शन तुमको अवेलेबल होने वाला है। हाँ, लिमिट्स है, 10 साल में आपको 5 साल तक 100% डिडक्शन अवेलेबल होगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको 50% डिडक्शन आपके प्रॉफिट्स का अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स एक बेसिक जो ICAI क्वेश्चन पूछती रहती है वहां से मैं ये लेट अस से डिडक्शन को शुरू करूंगा, बाद में थियरी पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे फ्रेंड्स। चलो बरोबर ध्यान से अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, मेरा यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, फ्रेंड्स वहां से मैं एक्सपोर्ट करता हूं, तो मेरे पास एक्सपोर्ट टर्नओवर का डेटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज 20 लाख ऑफ रुपीज। वहां से डोमेस्टिक टर्नओवर भी होगा फ्रेंड्स थोड़ा, तो फ्रेंड्स डोमेस्टिक टर्नओवर का डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है वो आपको बताऊं, इट इज 30 लाख ऑफ रुपीज। सो मेरा टोटल टर्नओवर चेक कर लो तो 50 लाख रुपए का मेरा टोटल टर्नओवर हो गया जो मैंने सेल्स किया है। फ्रेंड्स मेरा इस टर्नओवर का टोटल प्रॉफिट आप चेक करो तो इट इज लेट अस से 15 लाख ऑफ रुपीज। मेरा टोटल प्रॉफिट आप चेक करो इट इज फ्रेंड्स 15 लाख ऑफ रुपीज। तो कितना डिडक्शन मुझे अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट क्या कहती है, तुम कंट्री के इकोनॉमी को फायदा करवाएंगे उतना तुमको डिडक्शन अवेलेबल होगा। सिंपल, इट इज सेक्शन 10(2), इतना तुमको बेनिफिट अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स एग्जम्पशन बोलना बेटर रहेगा, फ्रेंड्स डिडक्शन में गलती से बोल देता हूं, एग्जम्पशन बोलना प्रीफरेबल है। फ्रेंड्स आपको इतना एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 10(2). अभी देखो फ्रेंड्स व्हाट इज माय टोटल प्रॉफिट्स, तो मेरा टोटल प्रॉफिट 15 लाख रुपए का है वो तो पता चल चुका है। फ्रेंड्स इसमें से मैंने तो डोमेस्टिक टर्नओवर भी किया था, एक्सपोर्ट टर्नओवर भी किया था, दोनों टर्नओवर मैंने किया, दोनों सेल्स मैंने किया, तो उसका टोटल प्रॉफिट मेरे पास 15 लाख रुपए का अवेलेबल है। उसमें से एक्सपोर्ट को कितना बिलोंग करता है, एक्सपोर्ट को कितना प्रोपोर्शनल होता है, उतना डिडक्शन मुझे मिलने वाला है, उतना एग्जम्पशन मुझे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर उसमें से 20 लाख का है, एंड व्हाट इज माय टोटल टर्नओवर, माय टोटल टर्नओवर इज 50 लाख ऑफ रुपीज। फ्रेंड्स देखो लॉजिकली हमने बचपन में सीखा था कि 50 लाख के टर्नओवर के ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट 15 लाख रुपए का, तो एक्सपोर्ट 20 लाख के प्रॉफिट के ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट कितना, लॉजिकल है 50 लाख का मेरा टोटल टर्नओवर है उसमें से 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 20 लाख का जो एक्सपोर्ट टर्नओवर उसमें से प्रॉफिट कितना, इट वुड बी 20 लाख इनटू 50 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख। तो मेरा जो बेनिफिट होगा अंडर सेक्शन 10(2) वो कितना होगा पता है फ्रेंड्स, इट इज 15 लाख ऑफ रुपीज इनटू 20 डिवाइडेड बाय 50, इट कम्स टू व्हाट 6 लाख। मतलब इतना मुझे बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा, यहां तक मुझे इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स आप मुझे ऐसा बोलो कि तुम्हारी इनकम कितनी, व्हाट वुड बी माय इनकम जिसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी, वो मेरा टोटल प्रॉफिट्स विच इज 15 लाख ऑफ रुपीज, उसमें से मुझे ये 10(2) का बेनिफिट मिल गया माइनस 6 लाख ऑफ रुपीज, ये फाइनली 9 लाख ऐसी इनकम है जिसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है।
बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी, बेसिक्स हमारे मन में क्लियर, एंड ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे पूछती रहती है। ओके चलो ट्राई करते हैं एक उसका ही क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सेक्शन 10 हम लास्ट में मतलब सेकंड फेज में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको बताया हम सेक्शन 10 डबल ए के ऊपर फोकस करेंगे बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स। ओके सेक्शन 10 डबल ए, अब चेक करो, टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। टैक्स हॉलीडे इस्तेमाल किया है मतलब एक लिमिट होगी, पता चला हॉलीडे 2 महीने के लिए होगा, सीए में तो कोई हॉलीडे ना मिले फ्रेंड्स। ओके हमारे वहां पे तो आपका जो भी एग्जामिनेशन के बाद का पीरियड होगा वो भी हम प्री आर्टिकलशिप में कन्वर्ट कर देंगे, तो देयर इज नो हॉलीडे आफ्टर स्टार्टिंग सीए और सीएस कोर्सेज। ओके पर जनरली हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो 10 महीने पढ़ते थे, 2 महीने हम हॉलीडे करते थे, तो ये 2 महीने की हॉलीडे एक लिमिटेड पीरियड होता है। मतलब यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक लिमिटेड पीरियड के लिए तुमको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा, वी आर सो सॉरी इतना बेनिफिट हमको ग्रांट कर सकते नहीं है। तो टैक्स हॉलीडे 10 साल का है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया फॉर यूनिट विच आर एस्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके चलो चेक करो फ्रेंड्स, एसएससी हु आर एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन, किनको एग्जामिनेशन अवेलेबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब चेक करो, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन रखा नहीं है कि यू मस्ट बी कंपनी, यू मस्ट बी पार्टनरशिप फर्म, ऐसी गवर्नमेंट ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं अवेलेबल की। आप चेक कर सकते हो एग्जामिनेशन इज अवेलेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ एसएससी, मतलब पार्टनरशिप फर्म हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, इंडिविजुअल हो, आप हो ना तो क्या हाँ, एसएससी हो तो क्या हाँ, जा एग्जामिनेशन आपका। हु डिराइव एनी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम अंडरटेकिंग बीइंग अ यूनिट, यू मस्ट बी व्हाट एंगेज्ड, शादीशुदा नहीं चलेंगे, बैचलर नहीं चलेंगे, यू मस्ट बी व्हाट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस। इन शॉर्ट आपको सेल्स में यूनिट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डिडक्शन कितना मिलेगा, इट वुड बी 100% फॉर 5 years एंड 50% फॉर नेक्स्ट 5 years, इतना डिडक्शन हमको अवेलेबल होने वाला है। ओके कंप्यूटेशन कैसे करने का प्रॉफिट्स का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखना जा रहा हूं फ्रेंड्स। प्रॉफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय व्हाट टोटल टर्न, जो मैंने प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। इट इज प्रॉफिट्स फ्रॉम द अंडरटेकिंग, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो, बट वो तो टोटल टर्नओवर से आया होगा, तो उसमें से जितना एक्सपोर्ट को बिलोंग करता होगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर को बिलोंग करता होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय क्या करेंगे टोटल टर्नओवर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आई से पूछती रहती है, मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, बिकॉज यहां पे आप चेक करो तो वर्ड इस्तेमाल किया है एक्सपोर्ट टर्नओवर, उस पे छोटा सा नेगेटिव लिस्ट प्रोवाइड किया है कि वो चीज आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करने की। इट मींस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंडिया, यू मस्ट बी रिसीविंग कंसिडरेशन इन इंडिया और ब्रॉट इन टू इंडिया बाय एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय द अंडरटेकिंग बीइंग यूनिट ऑफ आर्टिकल्स और थिंग और सर्विसेज। However, it does not include, मतलब वो पैसा इंडिया में रिसीव होना चाहिए वो प्राइमरी कंडीशन होगी, बट इट डज नॉट इंक्लूड what? इट डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, आपने उनको जो फ्रेट चार्ज किया हो उसको इंक्लूड नहीं करने का। टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, मतलब ये 3 चीज को एक्सक्लूड करने का FTI, बोलो कौन सा, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, इस चीज को आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। विच इज एट्रीब्यूटेबल टू डिलीवरी ऑफ आर्टिकल और थिंग आउटसाइड इंडिया और एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया। सिंपल अभी इतना समझो फ्रेंड्स कि ये 3 चीज को आपको एक्सक्लूड करना है, आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। अभी रिसेंटली फ्रेंड्स मैं आरटीपी का रिकॉर्डिंग कर रहा था जिसमें भी ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया है कि आप फ्रेट को एक्सक्लूड करेंगे, आप टेलीकम्युनिकेशन को एक्सक्लूड करेंगे, आप इंश्योरेंस को एक्सक्लूड करेंगे, उसके ऊपर आपको ये बेनिफिट्स अवेलेबल होने वाले नहीं है। कहीं से उसको पूछते रह दिया और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली हमको फोकस रखने का, तो फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस को हमको एक्सपोर्ट टर्नओवर से एलिमिनेट कर देना है, उसके ऊपर हम डिडक्शन बेनिफिट, सॉरी एग्जम्पशन का बेनिफिट अवेलेबल कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स। डन, छोटा सा क्वेश्चन, मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने एलोबरेट कर दिया है, एक बेसिक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फ्रेंड्स, आप पहले आप खुद से ट्राई करोगे प्लीज। बोलो फ्रेंड्स कैसा लगा क्वेश्चन, टाइम पास, चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ। वाई लिमिटेड फर्निशेज यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर एंडेड 31st March 2020। ओके, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए विच इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अवेलेबल टू अस 100 लाख, प्रॉफिट्स 30 लाख का अवेलेबल है, एक्सपोर्ट टर्नओवर यूनिट ए ने कितना किया वो हमारे पास अवेलेबल है 50 लाख ऑफ रुपीज, टोटल टर्नओवर यूनिट बी जो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया मतलब अदर देन सेल्स हुआ, ओके डोमेस्टिक हुआ फ्रेंड्स, वो 200 लाख का अवेलेबल है,
प्रॉफिट उसका अवेलेबल है कितना 2020 लाइक्स आई थिंक टाइम पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स. कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल है एक्चुअली एग्जम्पशन है फ्रेंड्स बट ये अल्टरनेटिव लोग यूज करते रहते हैं सो चिंता नहीं करने की एग्जम्पशन बोलना परफेक्ट है कि डिडक्शन बोलना परफेक्ट है अल्टरनेटिवली यूज करते रहते हैं सो कोई टेंशन नहीं है खास. हमको डिडक्शन कंप्यूट करना है 10 डबल ए का फॉर असेसमेंट 2021 अज्यूमिंग दैट वाई लिमिटेड कमेंस्ड ऑपरेशन इन सेस एंड डीटीए इन ईयर 2016-17 ये क्यों दिया है बिकॉज पहले के 5 साल है. ओके तो फर्स्ट 5 इयर्स के लिए डिडक्शन आपका कितना होगा 100% फ्रॉम योर प्रॉफिट्स. अभी आप चेक करो फ्रेंड्स हमारा जो प्रॉफिट है वो यूनिट ए का 30 लैक्स है यूनिट बी का 20 लैक्स है. आप समझो डिडक्शन हमको कंप्यूट करना है इस पर सेक्शन 10 डबल है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स. मुझे क्या बताना है फ्रेंड्स आपको कि ये हमारा जो यूनिट बी है वो तो डीटीए में है मतलब अदर देन सेल्स है तो उसका तो डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है ही नहीं वो तो भूल जाओ मतलब ये यूनिट बी तो हमारे पिक्चर में है ही नहीं साइड में रख देते हैं. यूनिट ए के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एकदम ध्यान से चेक करो तो मेरा टोटल टर्नओवर था ना वो 100 लैक्स था मेरा उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना था 50 लैक्स का. My total is 100 lakhs का turnover, उसमें से export का कितना है 50 lakhs and my profit is what? Rupees 3030 lakhs. अब समझ रहे हो? तो friends deduction कितना मिलेगा? I think एक line का answer है friends deduction जो हमको available होगा कि exemption हमको available होगा कि section 10 double हम बोल सकते हैं तो कितना होगा? Friends मेरा profits इस unit में से 30 lakhs rupees का है, उसमें से मेरा export turnover कितना? मेरा export turnover 50 lakhs का डिवाइडेड बाय माई टोटल टर्न ओवर. माई टोटल टर्न ओवर इज वॉट रुपीज 100 लैक्स. समझे फ्रेंड्स एकदम सिंपल. माई टोटल टर्न ओवर 100 लैक्स, एक्सपोर्ट टर्न ओवर 50 लैक्स एंड उसमें से मेरा जो प्रॉफिट हुआ यूनिट में से प्रॉफिट हुआ इट इज वॉट 30 लैक्स. तो 30 लैक्स इंटू 50 लैक्स डिवाइडेड बाई 100 लैक्स इट कम्स टू वॉट 15 लैक्स. इतना मुझे क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे डिडक्शन विच इज अंडर सेक्शन 10 डबल ए एंड यूनिट बी का ऑब्वियस डिडक्शन हमको अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इट इज अदर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन. बोलो क्लियर? आई थिंक टाइम पास हो गया फ्रेंड्स. चलो नेक्स्ट इट इज सेक्शन 14A बट ये हम डिस्कशन शुरू करें उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10. ओके अलग अलग जो एग्जम्प्ट इनकम है उसको हम डिस्कस करेंगे. मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम 3 फेज में पढ़ेंगे. फर्स्ट होगा हमारा सेक्शन 10 डबल ए का डिस्कशन. ओके जो हमने कंक्लूड किया एकदम सिंपल सा था जो डिस्कशन हमने किया फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज सेक्शन 10 जिसमें हम लिस्ट पढ़ेंगे ये एग्जाम ऐसे एग्जम्पशन का लिस्ट पढ़ेंगे. अब मैं सेक्शन 14 अगेन अ स्मॉल डिस्कशन. चलो कमेंसिंग विद सेक्शन 10 उसमें जब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आती है इट इज फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इनकम. ओके इसका एक सेपरेट डिस्कशन है ऑलरेडी हमारे बैच में हो भी चुका है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इनकम का सेपरेट डिस्कशन तो उसको हमने ऑलरेडी वहां पे कवर कर दिया है. उसका कैलकुलेशन कैसे करने का एग्रीकल्चर इनकम को रेट पर्पस के लिए कैसे ऐड करने का उसके जो भी स्टेप्स है उसका सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है फ्रेंड्स तो यहां पे हम उसको वापस एक बार रिपीट नहीं करेंगे. जो अदर देन एग्रीकल्चर इनकम हमारे पास सेक्शन 10 के एग्जम्पशंस है उसका लिस्ट है जो मैंने आपको बताया था उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स. ओके तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसमें से जो आएगा वो अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम इनकम ऑफ एचयूएफ 15-20 पॉइंट का लिस्ट एक एक पॉइंट को हम समझते जाएंगे फ्रेंड्स. अभी देखो फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म हो के एचयूएफ हो के पार्टनरशिप फर्म हो प्लीज बरोबर समझना. इफ इट इज पार्टनरशिप फर्म इट इज एचयूएफ. इन बोथ दी सिनेरियो ये जो फर्म है ये जो एचयूएफ है ये जो फर्म है उनको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है. मैं रिपीट करना चाहूंगा एचयूएफ इटसेल्फ इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स. अभी फ्रेंड्स एचयूएफ ने जो भी इनकम अर्न की है वो अपने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी. पार्टनरशिप फर्म ने जो भी इनकम अर्न की है वो अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी. आप समझ रहे हो एचयूएफ ने जो भी इनकम अर्न की प्रॉफिट कमाया वो उसके मेंबर्स के बीच में उसका डिवीजन होगा एंड फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो उसके पार्टनर्स के बीच में इसका डिवीजन होगा. आप इतना तो समझ रहे हो एकदम सिंपल. एचयूएफ का प्रॉफिट मेंबर्स के बीच में डिवाइड होगा फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा. तो फ्रेंड्स जब ये मेंबर्स प्रॉफिट को रिसीव करेंगे उनका जो प्रॉफिट में शेयर होगा जब ये पार्टनर्स प्रॉफिट को रिसीव करेंगे उनका प्रॉफिट में शेयर होगा उसकी टैक्सेबिलिटी क्या उसको वापस एक बार पार्टनर्स के हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे क्या वापस एक बार मेंबर्स के हैंड्स में वो प्रॉफिट को टैक्सेबल करेंगे. लोग कहता है ना 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 एग्जाम उसके ऊपर एक सिंगल रुपए का हमको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. समझे फ्रेंड्स आप एचयूएफ ने ऑलरेडी उस इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट कर दिया है पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कर दिया है. उस प्रॉफिट्स में से जो पार्टनर्स रिसीव करेंगे उस प्रॉफिट्स में से जो मेंबर्स रिसीव करेंगे एचयूएफ के मेंबर्स रिसीव करेंगे एब्सोल्युटली एग्जाम इनको एक भी रुपए का उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. सिंपल. ओके तो मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूं शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एचयूएफ
received by member exempt. Share in profit of partnership firm received by partners is exempt. Done. चलो चेक करो फ्रेंड्स. Amount received by member, ये first पढ़ रहा हूँ friends. Amount received by member from income of HUF. HUF ने जो भी income receive की, उसके ऊपर members को जो amount receive हुई, HUF ने profit कमाया, वो ultimately members को distribute हुआ, members को receive हुआ, exempt, एक single रुपए का income tax pay करने की requirement नहीं. Logic आपको पता ही है, HUF ने already इसके ऊपर tax का payment कर दिया होगा, partnership firm ने already इसके ऊपर tax का payment कर दिया होगा, तो share income of a partner, तो उसके ऊपर वापस एक बार उनको income tax pay करने की requirement आने वाली नहीं है. एंड ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था जब हमने डिस्कस किया था PGBP जो भी क्वेश्चन है ऐसे ही हमने सॉल्व किए हैं कि जो भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को रिसीव होगा, जो भी रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को रिसीव होगा, एंड थर्ड रिसीव होगा शेयर इन प्रॉफिट. इन डेप्थ डिस्कशन हो ही चुका है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा रिकैप्चुलेट करो तो फास्टेस्ट. तो इंटरेस्ट के बारे में ऐसे डिस्कशन हमने किया था कि इट इज अलाउड अप टू 12% पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट अलाउड है 12% पर एनम. रेम्यूनरेशन याद करो डिपेंडिंग अपॉन बुक प्रॉफिट, अप टू 3 lakhs का बुक प्रॉफिट होगा तो 90% और 1,50,000 व्हिच एवर इज हायर, एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट इट वुड बी 60% ऑफ बुक प्रॉफिट. याद आवे जाओ बोलो ओके. एंड शेयरिंग प्रॉफिट एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट है जितना फर्म को अलाउड, जो 12% जो मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन के लिमिट्स में आपका रेम्यूनरेशन होगा जो फर्म को अलाउड होगा उतना पार्टनर्स के इसमें टैक्सेबल. मैं रिपीट करूंगा, फर्म को जितना अलाउड उतना पार्टनर्स को टैक्सेबल, फर्म को जितना अलाउड उतना पार्टनर्स को टैक्सेबल. एंड शेयरिंग प्रॉफिट तो पूरे पूरा उसके ऊपर लेट अस से पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करने वाली है, तो पार्टनर्स जो भी रिसीव करेंगे एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट. फ्रेंड्स सिंगल रुपए का इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आपको आने वाली नहीं है. डन रेडी चिका चक. चलो आगे चेक करो फ्रेंड्स. नेक्स्ट इंटरेस्ट, वापस एक बार एग्जम्प्शन का लिस्ट है फ्रेंड्स. इनकम इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल इन हिज एनआरई अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रेंड्स एनआरई अकाउंट? इट इज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट. फ्रेंड्स मेरा एक कजिन ऑस्ट्रेलिया में है, वो इंडिया अपने पेरेंट्स को पैसे भेजता है. कैसे पैसे भेजेगा? तो उसने क्या किया फ्रेंड्स, वहां से इंडियन बैंक में एनआरई अकाउंट ओपन करवाया. वो नॉन रेसिडेंट है, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो चुका है, वो नॉन रेसिडेंट है. वहां से इंडिया की बैंक में उसने एक एक्सटर्नल अकाउंट ओपन किया, वहां से पैसा इंडिया को रेमिट करेगा. मतलब फॉरेन करेंसी में पैसा आया, ए याद पता चला, वहां से पैसा इंडिया की बैंक को रेमिट करेगा, वहां से पैसा इंडिया की बैंक को रेमिट करेगा. मतलब फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव होने वाला है, फॉरेन करेंसी में पैसा इंडिया में आने वाला है. गवर्नमेंट ने क्या सोचा, फॉरेन करेंसी में पैसा आता हो तो उसकी इंटरेस्ट इनकम को हमको एग्जम्प्ट करने में कुछ नहीं जाता. वापस एक बार, इंडियन बैंक में फॉरेन का पैसा आएगा, फॉरेन का पैसा रिसीव होगा. ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टाइम तक पैसा पड़ा रहेगा उतना इंटरेस्ट तो लगेगा फ्रेंड्स, उतना इंटरेस्ट देना तो पड़ेगा नॉन रेसिडेंट को. तो जो इंटरेस्ट हमने उसको प्रोवाइड किया उसके ऊपर एग्जम्प्शन मिल गया, वो नॉन रेसिडेंट को इंडिया में इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. अब देखो ऐसा होगा, वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में अक्रू होगी, वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में रिसीव होगी बिकॉज इंडियन बैंक अकाउंट में उसका क्रेडिट आएगा, तो भी उसके ऊपर एनआर को एग्जम्प्शन मिलेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. समझे फ्रेंड्स आप? बिकॉज बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है, भले हमारे वहां पे फॉरेन करेंसी आती है, अच्छी बात ही है ना, इकोनॉमी को फायदा है, कंट्री को फायदा है, गवर्नमेंट एग्जम्प्शन प्रोवाइड कर दिया. चेक करो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनीज स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट व्हिच इज एनआरई अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया इन अकॉर्डेंस with Foreign Exchange Management Act which is FEMA and rules made thereunder would be exempt provided such individual. मतलब आपका जो भी एनआरई अकाउंट होगा उसमें जो भी पैसा पड़ा होगा उसका जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उसके ऊपर एग्जम्प्शन है. दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी, कंडीशन वन कंडीशन टू. कंडीशन वन इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज डिफाइंड बाय FEMA. मतलब FEMA में जो डेफिनेशन होगी अकॉर्डिंगली आपको एनआर बनना है. और नेक्स्ट इज अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेंटेन सच अकाउंट. मतलब आरबीआई ने उसको परमिशन देकर वैसा अकाउंट मेंटेन कर सकता है. सिंपल वर्ड्स में एग्जाम पर्सपेक्टिव उतना याद रखो कि कोई भी इंटरेस्ट एनआरई अकाउंट में क्रेडिट होगा एब्सोल्युटली एग्जाम, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. याद रहेगा फ्रेंड्स? चलो मैं शुरू करता हूं वापस एक बार ध्यान से. HUF जो भी प्रॉफिट रिसीव करेगा उसमें जो मेंबर्स का शेयर होगा एग्जाम. पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट रिसीव करेगा और जो भी प्रॉफिट उसके पास आएगा उसमें जो पार्टनर्स का शेयर होगा एग्जाम. आपका नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में जो भी आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उसके ऊपर एग्जम्प्शन है. किसी भी रुपए का इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आपको आने वाली नहीं है. डन ओके. अभी चार पॉइंट रेम्यूनरेशन के बारे में होंगे जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, विच आर रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजंस ऑफ इंडिया. मतलब जो रिसीव करेंगे यहाँ पे रेम्यूनरेशन वो इंडियन सिटीजंस नहीं होंगे तो भी उनको एग्जम्प्शन मिला फ्रेंड्स. ऐसे चार अलग अलग लोग हैं, उसमें से फर्स्ट आप चेक करो, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसी एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन स्टेट्स. हमको वीजा लेना हो,
सपोज यूएस की स्पेसिफिकली बात करें, हमको यूएस का वीजा लेना हो तो यहाँ पे यूएस एम्बेसी में जाना पड़ेगा जो मुंबई में है। तो फ्रेंड्स जब हम यूएस एम्बेसी में जाएंगे तो वहां पे कौन होंगे जो हमको वीजा देते होंगे, तो वहां पे यूएस एम्बेसडर्स होंगे, मतलब एम्बेसडर याद करो एम्बेसडर फियाट मारुति, वो एम्बेसडर की बात नहीं हो रही है, इट्स अकाउंटेंट। वहां पे फॉरेन एम्बेसडर्स होंगे मतलब फॉरेन से यहाँ पे लोग आके हमको वीजा ग्रांट करते होंगे, और कोई भी हमारे कंट्री के साथ उनका कनेक्शन रिश्ता कैसे होगा वो भी एम्बेसडर्स के साथ कनेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स वो जो भी अपना रेम्यूनरेशन रिसीव करेंगे उसकी इनकम अक्रू कहां पे हुई, इंडिया में। अब समझो वो काम कहां पे कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी अक्रू कहां पे हुई, इंडिया में। तो हम तो क्या सीख रहे हैं फ्रेंड्स, नॉन रेसिडेंट की दो इनकम टैक्सेबल, याद करो चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेसिडेंट की दो इनकम टैक्सेबल, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, ये दो इनकम उसके अंश में टैक्सेबल होने वाली है। तो मैं क्या कह रहा था कि दो इनकम टैक्सेबल है, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, रेम्यूनरेशन उसका इंडिया में अक्रू हो रहा है तो टैक्सेबल हो जाता। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, अभी फॉरेन एम्बेसडर्स है, बाहर से आए हुए हैं, हमारे मेहमान है, बाहर चले जाने वाले हैं, एग्जाम उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाएंगे नहीं। ओके, तो रेम्यूनरेशन विच इज रिसीव्ड बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसडर्स एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन स्टेट उसके ऊपर फ्रेंड्स एग्जम्पशन है, देयर इज नो लायबल और देयर इज नो लायबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। नंबर टू आप चेक करो, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर सर्विसेज विच इज रेंडर्ड इन इंडिया एज एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज। तो फ्रेंड्स कोई फॉरेन एंटरप्राइज है, उसका कोई एम्प्लॉय है, वो इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहा है, उसका जो रेम्यूनरेशन उसको रिसीव होगा उसके ऊपर एग्जम्पशन है। चार पॉइंट रेम्यूनरेशन के बारे में ही होंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर्स का रेम्यूनरेशन, सेकंड इज फॉरेन एंटरप्राइज के एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन, थर्ड आएगा फ्रेंड्स सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन सिटीजन नॉन रेसिडेंट, सिटीजन भी नहीं चलेगा रेसिडेंट भी नहीं चलेगा, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन शिप, वो फॉरेन शिप में काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट फॉरेन शिप में है, टाइटैनिक में उसका एम्प्लॉयमेंट है, सो वो नॉन सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, तो उसकी जो भी सैलरी रिसीव होती होगी, शायद ऐसा हो कि इंडियन पोर्ट में आके उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हो तो इंडिया में इनकम अक्रू हो जाएगी, शायद रिसीव भी हो जाएगी, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन है, कम से कम एक रुपए का इनकम टैक्स उसको चार्ज करने वाले नहीं है। रेडी चकाचक, तीन रेम्यूनरेशन, फर्स्ट इज फॉरेन एम्बेसी के एम्बेसडर्स का रेम्यूनरेशन, बाद में लेटर से जो फॉरेन एंटरप्राइज के एम्प्लॉयज होंगे उनके सर्विस का रेम्यूनरेशन, जो फॉरेन शिप में एम्प्लॉयड होंगे उनका जो भी सैलरी होगा वो भी एग्जैक्ट। एंड लास्ट आएगा फ्रेंड्स रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग, ये स्पेसिफाइड ट्रेनिंग फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसकी बात हो रही है, तो जो गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो भी फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंडिया में स्टे करेंगे तो उनकी इंडिया में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है, हमारी गवर्नमेंट को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हमारे गवर्नमेंट के स्टाफ को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स फॉरेन कंट्री के जो भी एम्प्लॉयज इंडिया में आए उन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड की, इंडिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड की, सो इनकम अक्रू कहां पे हुई, इंडिया में, एग्जाम एक भी रुपए का उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करने वाले नहीं है। डन, चार इनकम, नंबर वन रेम्यूनरेशन फॉरेन एम्बेसडर्स का, नंबर टू फॉरेन एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन, फॉरेन शिप में जो काम कर रहे होंगे उनकी सैलरी, एंड लास्ट जो स्पेसिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आए उनका जो भी रेम्यूनरेशन होगा एब्सोल्युटली एग्जैम्प्ट, हम सिंगल रुपए का इनकम टैक्स उसके ऊपर चार्ज करने वाले नहीं है। रेडी फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स NTRO, छोटा सा लिस्ट है पांच पॉइंट का, रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम, कहां से आपको रिसीव हुई हो, इट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने कुछ रिसर्च किया होगा यहां पे सबमिट किया होगा, सो ये NTRO ने आपको रॉयल्टी प्रोवाइड की, आपको फीस प्रोवाइड की विच इज फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच इज एब्सोल्युटली एग्जैक्ट, अल्टीमेटली कंट्री के बेनिफिट के लिए कुछ अपने रिसर्च एक्टिविटी की है उससे कंट्री को फायदा है, उससे कंट्री को बहुत बड़ा कोई एडवांटेज हो सकता है, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दिया, विच इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने आपको कोई भी रॉयल्टी पे की हो, उसने आपको कोई भी टेक्निकल सर्विसेज की फीस पे की हो, दोनों के ऊपर एग्जम्पशन है, वी गोना नॉट चार्ज सिंगल रुपी ऑफ पेनी ऑफ इनकम टैक्स ऑन दिस इनकम। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स पेमेंट टू भोपाल गैस विक्टिम्स। फ्रेंड्स हम जब स्कूल में थे तब हमने ये पढ़ा था, शायद हम होंगे भी नहीं तब ये घटना घटी थी विच इज भोपाल गैस डिजास्टर। फ्रेंड्स अभी रिसेंटली कोई जगह पैसा हुआ था कि मैं एलजी का कोई प्लांट था, मैं इंडिया में था कि इंडिया के बाहर था एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक इंडिया इटसेल्फ में ही था, एलजी का कोई प्लांट था जिसमें से कुछ लीकेज हो गया था गैस प्लांट में से, तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों वहां पे जो गांव में थे उनको सफर होना पड़ा था फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मर भी गए थे अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, ऐसे बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले की ये बात है, भोपाल में फ्रेंड्स गैस का लीकेज हो गया था एंड जबरदस्त डिजास्टर हो गया था, मैं सुना होगा स्कूल में पढ़ने में भी आता है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोग रात को सो रहे थे एंड बेचारे सोते ही रह गए, सुबह उनके लिए हुई ही नहीं, कितना अनफॉर्चुनेट इवेंट,
इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जो जो भी लोग उनके फैमिली मेंबर्स के सपोज मर गए तो उनको गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगी, उस उनको गवर्नमेंट थोड़ा रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगी, रेम्यूनरेशन तो नहीं बोल सकते बट गवर्नमेंट उनको थोड़ा लेट्स से फंड्स प्रोवाइड करेगी जिससे उनको हम थोड़ी फाइनेंशियल मदद कर सके। ऑब्वियसली फ्रेंड्स लॉस ऑफ ह्यूमन को हम रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे, कंपेंसेट तो नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा फंड पे करके और थोड़ा पैसा पे करके उनको उनको जो भी थोड़ी हम थोड़ा सपोर्ट कर सके, ऐसा गवर्नमेंट का इंटेंशन ऑलवेज रहता है फ्रेंड्स। तो ये भोपाल गैस विक्टिम्स के फैमिली को जो भी पेमेंट्स किया गया उसके ऊपर एक्सेप्शन है, उसके ऊपर सिंगल रुपए का इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। फ्रेंड्स ऑनेस्टली एक बात बताऊं, तो जब मैं पढ़ रहा था इंटरमीडिएट में तब इट वॉज पीसीसी, आपका इंटरमीडिएट है, उसके पहले था आईपीसीसी, उसके पहले का कोर्स था पीसीसी, जो हमारा कोर्स था विच वॉज शॉर्टेस्ट कोर्स इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आईसीएआई, आईसीएआई का सबसे शॉर्टेस्ट कोर्स जिसमें मैंने एग्जाम दी है फ्रेंड्स। मतलब ऐसा नहीं हमने पढ़ा नहीं था, जबरदस्त पढ़ा था, तो ही फ्रेंड्स को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। मैं क्या कह रहा था, तो मेरे सर ने इस पॉइंट को कैसे याद रखवाया था वो आज भी मुझे याद है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, भोपाल गैस विक्टिम वाले पॉइंट को। अनफॉर्चुनेट इवेंट है फ्रेंड्स, जबरदस्त अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट याद रखने के लिए सर ने कौन सी टेक्निक दी थी वो आज भी मुझे याद है। तो मैं लीगेसी आपको ट्रांसफर करूंगा, मेरे सर ने मुझे सिखाया, आपके सर आपको सिखाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। सर ने क्या बोला था बताए, गैस डिजास्टर तो हुआ थोड़ा लाइट मैनर में फ्रेंड्स, इवेंट बहुत अनफॉर्चुनेट थी बट लाइट मैनर में, उसको याद कैसे रख सकते हैं वो थोड़ा सा झलक आपको दूं। सर ने क्या बोला था कि गैस डिजास्टर, गैस लीकेज तब हुआ था बट उसका स्मेल आज भी आ रहा है। स्मेल आई ना भोपाल में जो गैस लीक हुआ था, उसकी स्मेल आज भी आ रही है फ्रेंड्स। मुझे कितने साल हो गए वो भी नहीं पता एग्जैक्टली, बट कितने साल के बाद, 10 years प्लस हो चुका होगा फॉर श्योर। तो 10 साल के बाद भी आज मुझे ये चीज याद है फ्रेंड्स के गैस लीक हुआ था बहुत साल पहले, उसकी स्मेल आज भी आ रही है। तो उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, आप समझ रहे हो फ्रेंड, ये याद रखने के साइंटिफिक मेथड है। ओके, सर ने मुझे सिखाया, मैंने आपको सिखाया, लीगेसी डिलीगेसी ट्रांसफर होगा। आप भी कल फ्यूचर में कोई जगह पे इनकम टैक्स पढ़ाओगे, कोई कोई जगह पे आप बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद कोई जगह पे ये लेक्चर लेने के लिए जाओगे, तब खास इस चीज को ध्यान रखना। आप भी ऐसा बोलना कि हमारे सर के सर ने उनको सिखाया था, हमारे सर ने हमको सिखाया था, ना बोला तो भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बट अब ये चीज सबको स्प्रेड करना कि ये भोपाल गैस विक्टिम को हम कैसे याद करेंगे, तो इनकम टैक्स पे करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। ओके, चलो थोड़ा सा ब्रेक मैंने दे दिया आपको, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, कभी कभी नेचुरल कैलामिटी, मैनमेड डिजास्टर होते रहते हैं फ्रेंड्स हमारे वहां पे, संसार है फ्रेंड्स, ये सब तो चलता रहता है। तो जब भी गवर्नमेंट उनके लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी, कभी कभी कोई एसटी बस जा रही हो उसमें अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, आग लगी कि एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें जो लोग बेचारे अनफॉर्चुनेटली मर जाएंगे उनकी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट पैसा देगी फ्रेंड्स, कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी, तो वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने वाले नहीं है। तो ये दोनों कनेक्टेड हो गए फ्रेंड्स, भोपाल गैस विक्टिम्स को खाली एग्जम्प्शन नहीं है, जो भी डिजास्टर होंगे उनके जो भी अमाउंट रिसीव होते होंगे उनके फैमिली मेंबर्स को सब एग्जम्प्ट है, एक भी रुपए का उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, हमने डिडक्शन चैप्टर में सीखा था विच वॉज सेक्शन 80C, याद आ रहा हो तो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप डिपॉजिट करोगे तो उसका डिडक्शन आप 80C में क्लेम कर पाएंगे, वो जब आपको रिसीव होगा, वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में से जो गर्ल चाइल्ड के लिए पेमेंट किया जाता है उस गर्ल चाइल्ड को ये पैसा रिसीव होगा, तब वो क्या बोलेगी, एग्जैक्ट, वो जो उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। डबल फायदे, जब पेरेंट्स उनके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, डिडक्शन, पता चला, मैं रिपीट करूंगा ध्यान से, जब पेरेंट अपने गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तब वो क्या बोलेंगे, डिडक्शन 80C, एंड जब ये गर्ल चाइल्ड वो उसको पैसा रिसीव करेगी, मैच्योरिटी जब वो उस अकाउंट में से आती होगी, जब वो गर्ल वो पैसा रिसीव करेगी वो क्या बोलेगी, एग्जैक्ट, उसके ऊपर इनकम टैक्स देखने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। तो बढ़े जाए, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, एजुकेशनल स्कॉलरशिप। ओके, तो ICAI भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देती है, एजुकेशन स्कॉलरशिप देती है, तो वो जो जो भी स्टूडेंट्स रिसीव करते होंगे, एब्सोल्युटली एग्जाम, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आपको जब एजुकेशन स्कॉलरशिप देती है, अल्टीमेटली वो एजुकेशन के एक्सपेंडिचर को मीटअप करने के लिए, उसमें कोई मेरा पर्सनल फायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दिया, उसके ऊपर GST लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। डन, रेडी, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, पेमेंट टू MPs and MLAs, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फ्रेंड्स ये थोड़ा एग्जम्पशन मुझे पर्सनल आप पूछो तो थोड़ा अनरीजनेबल लग रहा है, बिकॉज जबरदस्त इनकम इनकी पर्सनल लेवल के ऊपर होती ही होती है फ्रेंड्स फॉर श्योर।
तो उनको एग्जम्पशन प्रोवाइड करने का क्या मतलब, उनके तीन अलावेंसेस को एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है, डेली अलावेंस उनको जो भी मिलता है एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अलावेंस जो भी मिलता है एमपीज एमएलएस को सारे अलावेंसेस उनको एग्जम्प्ट, हाँ बट दो ही अलावेंस एग्जम्प्ट है, एक डेली अलावेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अलावेंस, बाकी कोई अलावेंस एग्जम्प्ट नहीं है, बट ये दो अलावेंसेस भी क्यों एग्जम्पशन प्रोवाइड किया, उनको तो टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ पब्लिक की सेवा कर रहे हैं बट फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकली पता ही है कितने सारे पैसे वो और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने वहां पे पर्सनल बिजनेस के ऊपर वो काम करते होंगे फ्रेंड्स, डन। तो थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है मुझे फ्रेंड्स, बट अभी क्या करें, एग्जम्पशन तो एग्जम्पशन है, तो डेली अलावेंस एग्जम्प्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अलावेंस एग्जम्प्ट है, बट दो ही अलावेंस एग्जम्प्ट है, बाकी कोई अलावेंस उनको एग्जम्प्ट होंगे नहीं फ्रेंड्स, बाकी सब अलावेंस टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके तो एक नोट आप यहां पे लिखना तो लिख दो फ्रेंड्स, अदर अलावेंसेस वो क्या होने वाले हैं, टैक्सेबल। ओके चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, आपको अवार्ड मिला, कोई लिटरेचर का काम आपने किया था, कोई साइंटिफिक काम किया था, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया था, और कोई भी गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया, एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट, एक भी रुपए का उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। बाद में आपको गैलेंडरी अवार्ड मिला, उसके ऊपर भी एग्जाम्प्ट, जहां पे महावीर चक्र परमवीर चक्र ये सारा जो भी आपको अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा उसके ऊपर एग्जम्पशन है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। ओके यहां पे मेंशन कर दो फ्रेंड्स, महावीर चक्र परमवीर चक्र एग्जम्प्ट है, जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर आने वाली नहीं है। देन बस कंक्लूजन पे आ गए फ्रेंड्स हम सेक्शन 10 के, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसके ऊपर फोकस करना, सिक्किम में इंडिविजुअल इसके ऊपर भी फोकस करना फ्रेंड्स। ओके शेड्यूल्ड ट्राइब में कौन से लोगों को गवर्नमेंट ने कवर किया, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइडिंग इन कहां पे उनको रहना है, एरिया स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉर्थ खच्चर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक कैरबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट पता नहीं, दी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, दी गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट्स में आप रहते हो, इन दिस स्टेट ऑफ मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड इस स्टेट्स में आप रिसाइडिंग हो, और इन लडाख रीजन ऑफ स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स ऑन हिज इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग, मतलब जो आप फ्रेंड्स यहां पे रहते हो तो आपको माना जाएगा मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइडिंग इन, मतलब इस एरिया में सपोज आपका रेसिडेंस है, इस एरिया में सपोज आप रहते हो तो आपकी दो इनकम एग्जम्प्ट होगी, फ्रॉम एनी सोर्स इन एरिया ऑफ स्टेट्स अफोरेस्टेड, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से आप इनकम कमा रहे हो, उस पर्टिकुलर रीजन में रहकर आप इनकम कमा रहे हो तो वो एग्जम्प्ट होगा, एंड डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया उसका डिविडेंड होगा उसका इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर आपको एग्जम्प्शन मिलेगा फ्रेंड्स, बिकॉज ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है उनसे क्या आप जीएसटी में देखेंगे तो उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी गवर्नमेंट ने कम रखी है फ्रेंड्स। ओके तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इनसे क्या इनकम टैक्स तुम लगा भी दोगे तो वो पे नहीं करने वाले, पे करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहता फ्रेंड्स बिकॉज उनके पर्सनल लेवल के ऊपर ही उनको अपग्रेड होने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एग्जम्पशन प्रोवाइड किया और उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। तो वो जो एरियाज हमने मेंशन किए हैं तो उन एरिया से जो भी इनकम रिसोर्सेज रिसीव करेंगे और सिक्योरिटीज के ऊपर जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट होगा वो एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट होगा, जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स स्पेसिफाइड इनकम ऑफ सिक्किम इंडिविजुअल, जैसे यहां पे हमने डिस्कस किया वैसे सिक्किम इंडिविजुअल की भी इनकम भी को एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है, आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, फॉलोइंग इनकम which accrues or arises to Sikkim individual would also be what exempt, income from any source in the state of Sikkim, Sikkim state से कोई income source आप receive करेंगे उसके ऊपर exemption मिलेगा, and income by way of dividend or interest on security उसके ऊपर भी आपको exemption मिलेगा, however this exemption will not be available to Sikkimi woman who on or after 1st April 2008 marries to non Sikkimi individual friends, done, देखो racism। ओके तो लॉ क्या कहता है, सिक्किमी वुमन होगी वो कोई नॉन सिक्किमी इंडिविजुअल को के साथ मैरिज करेगी तो ये उनका ये जो बेनिफिट है वो चला जाएगा, बट सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखो, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर ऑफ सिक्किम इंडिविजुअल जो उनके रीजन से इनकम कमाएंगे जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उसके ऊपर एग्जम्पशन है, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ये हमारा सेकंड फेज खत्म हुआ इस छोटे से डिस्कशन चैप्टर का, सेक्शन 10 डबल हमारा फर्स्ट जबरदस्त इंपॉर्टेंट डिस्कशन, नेक्स्ट वो सेक्शन 10 जो हमने लिस्ट देख लिया, एक फास्टेस्ट रिकैप्चुरेशन कर लेता हूं फ्रेंड्स, दो दो तीन तीन बार तो लगभग मैंने बोला ही है पर तो एक बार फास्टेस्ट रिकैप्चुरेशन कर देता हूं, एग्रीकल्चर इनकम जिसके ऊपर एग्जम्पशन एक सेपरेट डिस्कशन है,
एचयूएफ ने जो भी प्रॉफिट रिसीव किया होगा, जो भी प्रॉफिट कमाया होगा, उसमें जो मेंबर का शेयर होगा, पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट रिसीव मतलब जो भी प्रॉफिट किया होगा उसमें जो पार्टनर्स का शेयर होगा एग्जैम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बाद में नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट उसमें जो भी इंटरेस्ट इनकम आता होगा उसके ऊपर एग्जम्पशन जीएसटी इंपोज नहीं करने वाले। बाद में चार लोगों के रेम्यूनरेशन के ऊपर एग्जम्पशन है। नंबर वन, जो फॉरेन एम्बेसडर्स होंगे इंडिया में काम कर रहे होंगे उनका रेम्यूनरेशन एग्जम्प्ट है। बाद में फॉरेन एंटरप्राइज के एम्प्लॉइज की जो सर्विस इंडिया में रेंडर हुई है उसके ऊपर का एग्जम्पशन है। फॉरेन शिप में कोई नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन काम कर रहा होगा उसकी इनकम के ऊपर एग्जम्पशन है। एंड जो स्पेसिफाइड ट्रेनिंग फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंडिया में प्रोवाइड करेंगे उनके ऊपर उनको रेम्यूनरेशन के ऊपर क्या मिलने वाला है एग्जम्पशन। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से जो भी आपने रॉयल टिकट फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव किया होगा उसके ऊपर एग्जम्पशन है। भोपाल गैस एग्जाम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। कोविड डिजास्टर के विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा उसके ऊपर एग्जम्पशन है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जो भी पेमेंट रिसीव होगा जो गर्ल चाइल्ड को उसके ऊपर एग्जम्पशन है। एजुकेशन स्कॉलरशिप के ऊपर एग्जम्पशन है। एमपी एमएलएसपी जो भी डेली अलावेंस कॉन्स्टिट्यूशन अलावेंस होंगे उनके ऊपर एग्जम्पशन है। बाकी सब अलावेंस टैक्सेबल होंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी आपको अवार्ड मिला लिटरेचर के ऊपर, साइंटिफिक के ऊपर, आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर उसके ऊपर एग्जम्पशन प्रोवाइड किया। गैलेंट्री अवार्ड आपको मिला, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अगेन अगर अलग अलग चक्र आपको मिले उसके ऊपर एग्जम्पशन है। शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होगा कि सिक्किम इंडिविजुअल होगा वो रीजन से जो इनकम रिसीव करेगा सिक्योरिटी को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर से इन्वेस्ट करके जो भी इंटरेस्ट और रॉयल्टी सॉरी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव करेगा उसके ऊपर क्या मिलने वाला है एग्जम्पशन। डन चकाचक, ये हमारा सेकंड फेज था। फ्रेंड्स थर्ड फेज होगा, इट वुड बी सेक्शन 14A। बहुत सिंपल फ्रेंड्स, इन डेप्थ डिस्कशन इसका सीए फाइनल में हम करेंगे फ्रेंड्स, बट अभी थोड़ा एक बेसिक डिस्कशन आपको पता होना चाहिए कैसा कुछ आप फाइनल में डिस्कस करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन अलाउबल एक्सपेंडिचर सेक्शन 14 है। देखो फ्रेंड्स एक छोटी सी बेसिक बात आपको बताऊं पहले ये मेरा फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरी कोई इनकम यहां पर टैक्सेबल है उसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर यहां पे डिडक्टेबल, समझा? मेरी इनकम आई यहां पे, उसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर यहां पे मुझे डिडक्टेबल, जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा फाइनली उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। फ्रेंड्स लॉजिकली देखा जाए तो सपोज मेरी इनकम एग्जम्प्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां पर मेंशन करता हूं एग्जम्प्ट इनकम, मेरी इनकम एग्जम्प्ट है, उसको अर्न करने के लिए कोई मैंने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया, इट इज एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग एग्जम्प्ट इनकम, मेरे एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर मुझे इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका भी डिडक्शन मुझे अवेलेबल नहीं होगा। लॉजिकल, जो मेरी इनकम टैक्सेबल तो उसको अर्न करने का एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल, मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो इनकम टैक्सेबल तो उसको अर्न करने का एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल, जो मेरी इनकम एग्जम्प्ट है मुझे इनकम जो मेरी रिसीव हुई है उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? अरे एग्जम्प्ट इनकम में फॉल हो रही है तो उसका जो भी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसका भी मैं यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा नहीं। डन, चलो ये तो सिंपल समझ में आ जाता है। मुझे स्टार्ट्स नाउ, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरी इनकम है जो टैक्सेबल वाली भी है एग्जम्प्ट वाली भी है, दोनों इनकम है। मेरा एक्सपेंडिचर है जो दोनों इनकम अर्न करने के लिए किया है, कॉमन एक्सपेंडिचर है जिससे मैंने टैक्सेबल इनकम भी कमाई है जिससे मैंने एग्जम्प्ट इनकम भी कमाई है, तो क्या करूंगा इस एक्सपेंडिचर का? पता चला उसका सॉल्यूशन 14A में छुपा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पता चला टैक्सेबल इनकम है तो उसको अर्न करने का एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल, एग्जम्प्ट इनकम है तो उसको अर्न करने का एक्सपेंडिचर नॉन डिडक्टेबल, बट माई इनकम इज अर्निंग बोथ टाइप्स ऑफ इनकम और आई एम अर्निंग बोथ टाइप्स ऑफ इनकम टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट। तो व्हाट अबाउट डिडक्शन ऑन एक्सपेंडिचर इनकम फॉर अर्निंग बोथ टाइप्स ऑफ इनकम, इसका क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन यहां पे है हमारे पास। एज पर सेक्शन 14 है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एनी एग्जम्प्ट इनकम, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अर्निंग एनी एग्जम्प्ट इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर एनी फाइव हेड ऑफ इनकम। कोई भी पांच हेड में जो मैं इनकम कमाता हूं वो एग्जम्प्ट है, जो मेरी इनकम को एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है तो उसके लिए मुझे जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा उसका डिडक्शन मुझे अवेलेबल होने वाला नहीं है। एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, इन शॉर्ट ये दोनों का डिडक्शन मुझे अवेलेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, इन डेप्थ ये फाइनल में डिस्कस करेंगे, अभी छोटा सा ये
फॉर्मूला जैसा है अभी याद रखने का ट्राई करो, बाकी एग्जाम परस्पेक्टिव को खास चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटिंग टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब आपकी जो भी इनकम स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट होगी उसको अर्न करने का जो डायरेक्ट खर्चा होगा उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अमाउंट इक्वल टू 1%, अभी खाली फॉर्मूला याद रखेंगे, सीए फाइनल में उसके एग्जाम्पल्स हम करेंगे, 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेजेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सर क्या बोल दिया, चिंता ना करो सीए फाइनल। हाउएवर अमाउंट रिफर टू इन क्लॉज 1 and 2 शैल नॉट एक्सीड टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम बाय दी एसएसी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो वो एक्सपेंडिचर के ऊपर जाना चाहिए नहीं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। अब इतना सिंपल समझो फ्रेंड्स कि जो मेरा इनकम टैक्सेबल है तो उसको अर्न करने का एक्सपेंडिचर डिडक्शन के तौर पर मैं क्लेम कर पाऊंगा, जो मेरी इनकम एग्जम्प्ट है तो उसको अर्न करने का एक्सपेंडिचर डिडक्शन मैं यहाँ पे क्लेम कर पाऊंगा नहीं, इतना मोर देन सफिशिएंट है फ्रेंड्स फॉर सेक्शन 49 फॉर अवर इंटरमीडिएट लेवल फ्रेंड्स। डन ओके, कंक्लूडिंग विद दिस चैप्टर विच वॉज एग्जम्प्ट इनकम, अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव इट इज फ्रेंड सेक्शन 10AA, बाद में सेक्शन 10 का जो लिस्ट हमने डिस्कस किया वो बाद में सेक्शन 14 है, रीड ऑनली है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एंड एग्रीकल्चर इनकम इसका हमने सेपरेट डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है, होपफुल सब कुछ पता चला होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये चैप्टर मेरे एंड से तो कंक्लूड हो गया बट आपके एंड से कंक्लूड नहीं हुआ है, आपको एक छोटी सी चीज करनी है, स्टडी मटेरियल में से जो जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में है, रिपीट करूंगा, स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर मिलेगा आपको फ्रेंड्स, इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसके पीछे जो जो भी एग्जांपल्स है उसको खास 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 रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उतना खास रिफर कर लेना फ्रेंड्स। ओके, दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरी करना, प्रॉमिस है, आपने मुझे दी हुई आप तोड़ना मत। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.